नमस्कार मैं अजय सिंह जाखड़ एम डी एग्रीमेंटर्स और गाइज आज आपके साथ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम आपका हुआ है राजस्थान के जो बच्चे थे वो इस एग्जाम का काफी टाइम से वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली इसका प्रिपरेशन हम लोगों ने नहीं करवाया था लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम का, का एनालिसिस दिया जाए सो आज उसका एक बेस्ट एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ तो इज आपको पूरा का पूरा एग्जाम जो है जितना हमारा एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इसके अंदर आए थे उन सभी क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और डेफिनेटली ये आपके एग्जाम और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे और जिन बच्चों ने आज एग्जाम दिया है उनको एनालाइज करने में कि उनके एग्जाम में मार्क्स कितने आ सकते हैं उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी आंसर की है तो चलिए इसी के साथ इसको आपका एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं पहला आपका जो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन था 41 नंबर वो क्वेश्चन था विच क्रॉप इज कॉल्ड एज कैमल क्रॉप इनमें से किस क्रोप को आप जो है कौन सी फसल को कैमल क्रोप कहा जाता है मोठ को ज्वार को बाजरा या फिर मक्का मोट बाजरा ज्वार या मेज तो डेफिनेटली गाइज आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो सोरगम क्रॉप होती है ज्वार क्रॉप होती है उसको आप लोग क्या बोलते हो यहां पर आपका कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है क्या बोला गया कि कौन सी क्रॉप को आपका या कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है तो सोरगम को आपका जो है कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि ये आपका ड्रोट टॉलरेंट क्रॉप होती है और कहीं ना कहीं ये सहन कर सकती है आपका वॉटर की जो कंडीशन वॉटर जो आपका कम होता है उस कंडीशन में भी इसको ग्रो करवाया जाता सकता है अगला क्वेश्चन आपके जो पास जो था विच ऑफ द फॉलोविंग इज ए पैरासिटिक वीड ऑन पर्ल मिलेट पर्ल मिलेट के ऊपर या आपका निम्नलिखित में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है कि बाजरा के ऊपर परजीवी खरपतवार जो है वो इनमें से कौन सा है वो आपका लोरेंथे स्पीसीज है वो आपका स्ट्राइगा या वो आपका कस्क्यूटर स्पीशीज है या वो आपका ओरोबंकी स्पीशी स्पीशीज है तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो यहाँ पर पर्ल मिलेट हो आपका मक्का हो इन सभी के ऊपर आपका जो स्ट्राइगा है वो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर मक्का ज्वार बाजरा मेज सोरगम एंड आपका पर्ल मिलेट के ऊपर यहां पर जो आपका स्ट्रेगा स्पीसीज है वो एक इंपॉर्टेंट परजीवी या खरपतवार आपका होता है ठीक है तो ये याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका क्या हो सकता है महत्वपूर्ण हो सकता है अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन जो था इन विच ऑफ द इन विच टाइप ऑफ सोइल इरोजन सोइल मैट्रिक्स इज लोस्ट बट रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड

पर्त अपर्दन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मैंने क्या बोला यहां पर पर्त अपर्दन जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तो गाइज ये आपका आंसर यहां पर क्या होगा सीट रोजन और यहां पर आपका परत अपर्दन चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ंग लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइसीन एंड ट्रिप्टोफेन निम्न लिख में से किस अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की मात्रा सबसे कम होती है तो लाइसिन और ट्रिप्टोफेन जो होता है वो आप सब लोग जानते होंगे जितने भी हमारे सीरियल्स होते हैं जितने भी हमारे यहां पर अनाज की फसलें होती हैं उन के अंदर आपका लाइसिन हमेशा होता है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि लाइसिन के साथ आपका जो है, वो हमेशा आपका जो मेज क्रॉप है जिसे आप मक्का बोलते हो उसके अंदर आपका क्या होगा कमी होगी उसकी डेफिसिट होगा और वो हमेशा आपका आंसर जो है बिल्कुल है, सही जाएगा चलिए तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है यहां पर वो आपका क्वेश्चन था कि ब्लाइंड होइंग इज रिकमेंडेड फॉर या आपका अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है कि अंधी गुड़ाई जो है वो किस फसल के अंदर सिफारिश किया जाता है या ब्लाइंड होइंग जो है वो किसके अंदर रिकमेंड किया जा रहा है सुगर केन मेज सोयाबीन या कॉटन गन्ना मक्का सोयाबीन या कपास तो आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा गन्ने की जो क्रॉप है सुगरकेन की जो क्रॉप है उसके अंदर हम ब्लाइंड को क्या करते हैं प्रेफर करते हैं तो वो हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश इन सेवन विद हेडक्वार्टर एट कि आपका यहां पर भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो है वो अठारह में किस मुख्यालय के साथ की गई थी तो आप सब लोग जानते होंगे कि भारतीय मौसम विभाग जो है वो आपका पुणे के अंदर क्या किया गया था किया गया था आंसर था ऑप्शन थे पुणे न्यू दिल्ली जयपुर कोलकाता तो आंसर हमारा क्या था पुणे के अंदर जो है ये आपका यहां पर है, लाया गया था तो आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी देख पा रहे हैं तो प्लीज आप लोग सभी शेयर कीजिए यार ये बहुत जरूरी है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ बताइए कि हाँ एग्जाम का एनालिसिस वो भी करेक्ट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होगा तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इसके अंदर हम कंप्लीट एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके यहां पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे चलिए तो इसी के साथ आपका यहां पर अगला क्वेश्चन है भरतपुर एंड Uh, करौली जो आपके जिले हैं या भरतपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट कम अंडर एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान भरतपुर और करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं थ्री बी के अंदर आते हैं फोर बी के अंदर आते हैं फोर ए के अंदर आते हैं या फिर थर्ड ए के अंदर आते हैं तो ये हमारे थ्री बी के अंदर इसका क्या होगा राइट right आंसर होगा क्या बोला थ्री बी के अंदर चलिए

वलगेयर बिल्कुल सही आंसर हमारा यहां पर क्या है हॉर्डियम वलगेयर चलिए साथियों अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि एज पर आई एस एस सोयल क्लासिफिकेशन द डायमीटर ऑफ सिल्ट पार्टिकल शुड बी डैश एम या इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास कितना होना चाहिए या कितना मिलीमीटर होना चाहिए तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि 0.02 0.02 से से ले लेके लेके कितना आपका से ले और 0.002 जो है 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 वो इसका क्या होता है? Right होता राइट आंसर किसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस की प्रणाली के जो अकॉर्डिंग है या उसके अनुसार जो है मिट्टी के वर्गीकरण जब किया जाता है तो इसमें जो सिल्ट के जो कणों का व्यास होता है या फिर सिल्ट पार्टिकल के जो आपका एमीटर होता है वो कितना होना चाहिए तो 0.02 से लेके 0.002 तक चलिए अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइब्रिड ऑफ बासमती क्वालिटी राइस यहां पर बासमती क्वालिटी राइस जो है या फिर हम यहां पर बोला गया कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है संकर का मतलब होता है हाइब्रिड तो अब यहां पर देखो आपका पी जो स्पीसीज लगाई गई है उसके अंदर एच का मतलब ही क्या होता है हाइब्रिड तो पी एच जो आपकी टेन ये जो आपकी वैरायटी है वो बिल्कुल इसका आंसर क्या है यहां पर है बिल्कुल सही आंसर है चलिए इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च्ड ऑन राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रो <coughs> चमत्निक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ था कि आपका जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या फिर आपका राष्ट्रीय कृषि बाजार का एक प्लेटफॉर्म है ई e नेम वो आपका कब शुभारंभ किया गया था तो 14 अप्रैल 2016 हजार अप्रैल 2016 को इसको लाया गया था 14 14 अप्रैल 2016 को इसको क्या किया गया था लाया गया था ठीक है या इसका शुभारंभ किया गया था नेक्स्ट या अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज किंग ऑफ फाइबर या इसमें से रेशों का जो राजा है वो किसे कहा जाता है जूट को कहा जाता है कपास को कहा जाता है सनई को कहा जाता है या फिर आपका फ्लैक्स को कहा जाता है तो आप सब लोग जानते होंगे यहां पर जो हमारा कपास है वो हमारा क्या होता है किंग ऑफ फाइबर होता है देखो यहां पर जूट आपका आंसर नहीं जाएगा यहां पर जो किंग ऑफ फाइबर है वो हमारा कपास जाएगा ठीक है या हमारा कॉटन जो है वो क्या होता है किंग ऑफ फाइबर है इट इज दिल्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस

तो आप सब लोग जानते हैं नीला सफेद पीला या हरा तो इसमें से हमारा सफेद कलर जो होता है वो आधार बीज के बैग पे टैग लगा हुआ होता है और अगर हम बात करें यहां पर येलो या फिर आपका गोल्डन येलो कलर जो सुनहरा कलर होता है वो किसके ऊपर होता है वो ब्रीडर सीड के ऊपर होता है और इसी प्रकार से आपका यहां पर जो सर्टिफाइड सीड होता है उसके ऊपर आपका नीला कलर लगा हुआ होता है ठीक है चलिए ठीक है इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब छुआरा इज ए वेरायटी ऑफ विच क्रॉप पंजाब छुआरा जो है वो किस क्रॉप की वेराइटी है ब्रिंजल की या पंजाब छुहारा किस फसल की किस्म है बैंगन खजूर टमाटर या फिर प्याज तो ये आप सब लोग जानते होंगे ये आपका कहीं ना कहीं नास्पति आकार की एक वेराइटी होती है किसकी टमाटर के लिए आपके टोमेटो की एक पंजाब छुहारा क्या होता है वेरायटी होती है अगला हमारा क्वेश्चन है हिसार सुगंध इज एन इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ विच क्रॉप हिसार सुगंध जो है वो आपका किसकी कौन सी फसल की हिसार सुगंध जो है डी एच एच थर्टी सिक्स ये किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है फेन्योग के लिए क्यूमिन के लिए, क्या है आपकी एक इंपॉर्टेंट आपकी वेराइटी है इंपॉर्टेंट आपका यहां पर एक जो है किस्म है ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है वट विल बी दर्सेंटेज ऑफ पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल विच हैजन पॉइंट फाइव ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बल्क और 2.65 ग्राम पार्टिकल डेंसिटी तो इसका यहां पर क्वेश्चन पूछा गया हिंदी के अंदर है एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और कण घनत्व जो है वो 2 तूद, 2.65 तूद, आपका यहां पर क्या है 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है इसके रंधरा जो आपके विकास की जो प्रतिशतता है वो कितनी होगी 40 प्रतिशत होगी 42 प्रतिशत होगी 36 होगी या 38 होगी तो देखिए साथियों इसके अंदर जब भी हम बात करते हैं तो आप सब लोग जानते होंगे गए यहां पर तो इसका एक्चुअल में जो आ, डेटा होता है जब आप निकालोगे तो ये एक्चुअल में डी दास की जो बुक है उसके अंदर एग्जैक्ट दिया गया है ये न्यूमेरिकल आपका एग्जैक्ट दिया गया है और वहां से बार बार हम निकालते भी हैं तो फोर्टी पॉइंट इसका समथिंग वैल्यू होता है लेकिन इसका राइट आंसर यहां पर फोर्टी नहीं है तो 43 के नजदीक आपका 42 है तो वो इसका क्या रहेगा बिल्कुल राइट right आंसर रहेगा तो 42 हमारा यहां पर क्या है बिल्कुल राइट right आंसर है ठीक है चलिए, चलिए, अगले question की अगले की तरफ बढ़ते हैं हमारे का answer क्या हो सकता है? अगला question हमारा यहां पर है, अगला हमारा पर रहा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एस्टेब्लिश बाई आर आईसीआर ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो ये आपका यहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान जो है वो कहां स्थापना की है जबलपुर में हैदराबाद में भोपाल में या फिर झांसी में तो ये आपका भोपाल में क्या है आपका एस्टेब्लिश है भोपाल में इसके अंदर क्या की गई है आपकी स्थापना की गई है तो साथियों इस चीज को जरूर देखिए यार बार बार आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू वांट दैट एग्जैक्ट आंसर की ऑफ आपका यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को अगर एग्जैक्ट आंसर की चाहिए उत्तर जो है आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं इसके अंदर कोई भी उत्तर आपका गलत नहीं है हर एक उत्तर को पूरा चेक करने के बाद आपको यह बताया जा रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करें सो दैट कि आप जो है मैक्सिमम फायदा उठा सके और आपके फ्रेंड्स को भी इसका जो है फायदा मिल सके ठीक है चलिए अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है हाउ मच यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर 10 हेक्टेयर एरिया एट द रेट ऑफ 150 किलोग्राम नाइट्रोजन हेक्टेयर एप्लीकेशन ठीक है इसके अंदर 10 हेक्टेयर हेक्टेयर क्षेत्र 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी तो 10 हेक्टेयर के, तो के अंदर कितना होता है? 46 आपका होती है क्या बोला गया आपकी फोर्टी सिक्स प्रतिशत क्या होगा आपका हो तो आप एक बात बताइए जब इस चीज को जब देख रहे हैं हम यहां पर तो आपका रिक्वायरमेंट जो है आपकी कितनी है 150 किलोग्राम तो जब 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो 150 सौ गुना दो कितने होंगे अप्रोक्सीमेटली 300 के समथिंग जाएगा ठीक है तो यानी कि अगर आपका 100 किलोग्राम आप नाइट्रोजन डालते हो तो उसमें आपका वहां पर कितना मिलता है जो है आपका 50 या 46 किलोग्राम क्या मिलेगा आपकी नाइट्रोजन मिलेगी तो डेफिनेटली हमारा यहां पर क्या करना पड़ेगा उसका में जब राइट आंसर जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर चला जाएगा ठीक है तो आप खुद देखिए इस चीज को करने के लिए हमें कोई ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रति हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट है और 10 हेक्टेयर में चाहिए तो गुणा दस हो जाएगा तो आपका तीन दो पांच पांच किलोग्राम जो है वो इसका राइट right आंसर जाएगा इसके अंदर साफ पड़ा हुआ था कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं थी ज्यादा दिमाग खराब करने की और बिल्कुल सामने था तो यहां पर एक ही ऑप्शन जो है हमें ज्यादा साफ है। दिख रहा था वो यूज द टर्म ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो टर्म है उसको किसने या फिर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आपकी शब्द है उसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था पेरोदा ने स्वामीनाथन ने वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थमैन ने या फिर आपका वेल ने तो डेफिनेटली गाइस यहां पर आपका आंसर जाएगा वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया था इसको यूज करने का आन, जो है आपका काम किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो अगला आपका क्वेश्चन है प्राइड ऑफ इंडिया इज ए वेराइटी ऑफ जो प्राइड ऑफ इंडिया है वो किसका वेराइटी है ठीक है प्राइड ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस की किस्म है लेट्यूस कॉलीफ्लावर फूल गोभी गांठ गोभी या पत्ता गोभी या फिर आपका कैबेज तो आप सब लोग जानते होंगे कि प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो हमारा यहां पर कैबेज जिसे आप पत्ता गोभी जानते हैं उसकी एक आपकी उन्नत किस्म है एक अच्छी आपकी किस्म है नेक्स्ट यहां पर आपका है अगला क्वेश्चन इट इज एन आर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्लांट इन टू डिफरेंट ऑर्नामेंटल शेप लाइक बर्ड एनिमल एंड आपका जो है इसके अंदर डिफरेंट डोम्स की शेप दी गई है या यह पौधे की संधाई की एक कला है जिसमें पौधों को जानवर पंचियों या डोम जैसा सजावटी आकार दिया जाता है उस आप पर्टिकुलर प्रक्रिया को क्या बोलते हो उस आर्ट दीज। और दोनों या फिर से? कोई नहीं तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारा जो यहाँ पर होता है उसमें क्या करते हो आप लोग इस प्रकार से एक गेटनुमा आकार देते हो जिसके अंदर से हम जिसे आपका निकल सकते हैं तो वो हमारा रहता है लेकिन आपका जो शेप दिया जाता है बर्ड का एनिमल का वो टोपियरी का पार्ट रहता है किसका रहता है आपका टोपियरी तो ये चीज याद रखेगा हमारा क्या बिल्कुल सही टोपियरी ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फॉर चेकिंग स्प्राउटिंग अनियन ड्यूरिंग स्टोरेज विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज भंडारण के दौरान प्याज के फुटान को रोकने के लिए कौन सा बढ़वार नियंत्रण जो है, वो आप प्रयोग करते हो आपके प्याज के बढ़वार को रोकने के लिए इनमें से कौन सा नियंत्रक जो है वो यूज किया जाएगा जेबर्लिक एसिड मेलिक हाइड्राइड, साइकोसेल या इंडोल ब्यूटारिक एसिड या हम यहां बात करते हैं तो आपका क्या है फिर इंडोल ब्यूटारिक एसिड तो इसमें से हमारा इस चीज को भी आपका याद रखिएगा अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या हो सकता है इट इज ए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ठीक है इनमें से एक आपका प्रणालीगत कीटनाशक जो है वो कौन सा है यहां पर क्यूलफॉस मैराथियोन क्लोरोपाइरिफोस या डायमेथोइड, ठीक है फोस मेलेथियोन क्लोरोपैरिफोस या फिर आपका डायमेथोड तो डायमेथोड जो रोगर होता है रोगर के नाम से ये आता है आपका ट्रेड नेम इसका रोगर है तो ये हमारा क्या रहता है इसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर है कौन सा डायमेथोड ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है कुफरी पुखराज कुफरी सीतमान एंड कुफरी अलंकार जो है वो वेरायटीज है किस फसल की यह किस्में है क्या बोला गया यहां पर कुफरी पुखराज कुफरी सीतमान या कुफरी अलंकार जो है वो किस फसल की किस्में है इनमें से फूलगोभी की है आलू की

ग्रोइंग मीडिया फॉर रेजिंग द सीडलिंग इन नर्सरी क्या बोला गया नर्सरी में पौध उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम आप प्रयोग में ला सकते हो आपका यहां पर सोयल परलाइट, या ऑल ऑफ दीज मृदा पैरलाइट फिर उपरोक्त सभी तो साथियों याद रखना जब भी नर्सरी की बात आ जाए तो नर्सरी में आपका मृदा नहीं होगा सेफेगनमोस नहीं होगा सेफेगनमोस को आप जब ग्राफ्टिंग करते हैं दाब लगाते हैं तब इसका उपयोग करते हैं लेकिन वैसे जो है आपका यहां पर कौन सा यूज किया जाएगा पैरलाइट यूज किया जाएगा

चलिए तो यहां पर आपका ड्यूरियो ड्यूरियोस जि, है या फिर आपका डेटिफेरा है या फिर गोवा है या फिर नन ऑफ दीज है यानी कि यहां पर ड्यूरियो जिबेथिस है या गुजा, फिर फिनिक्स है या फिर गोवा जावा है या फिर, 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 गुजा, फिर इनमें से कोई नहीं तो आप अच्छे से जानते हो यहां पर आपका फिनिक्स डेक्टिफेरा जो है वो इसका साइंटिफिक नेम होता है किसका आपका डेट पाम का या फिर खजूर का खजूर का वनस्पिक नाम पूछा गया है तो आप सब लोग जानते होंगे खजूर का वनस्पिक नाम क्या होता है यहां पर बी नेक्स्ट आपका या फिर अगला जो प्रश्न है अगला क्वेश्चन क्या है देखिए दिस सिस्टम ऑफ इरीगेशन सप्लाई वॉटर टू द प्लांट

बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली इसका क्या होगा सही उत्तर होगा सही आंसर होगा ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है द बोटेनिकल नेम ऑफ व्हिच फ्रूट इज वाइटिस विनिफेरा वाइटिस विनिफेरा जो है वो यहां पर किस फसल का वानस्पतिक नाम है तो वाइटिस तो विनिफेरा आप सब लोग जानते होंगे ये हमारा अंगूर का क्या है वानस्पतिक नाम है बेर गवाजावा या फिर आपका जो है ग्रेप्स और पमग्रेट उत्तर थे तो बेर अमरूद अंगूर और अनार में से आज, आंसर क्या होगा आपका अंगूर अंगूर जो है इसका आपका वनस्पतिक मोरिशियाना अमरूद का क्या होता है सीडियम ग्वाजावा आपका यहां पर पम्प्रेनेट का क्या होता है आपका पनी का ग्रेनेटम ठीक है तो इस चीज को भी आपका याद रखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन यहां पर जाता है देखिए अः या जैम जनरली कॉन्टेंट्स टोटल सोलबल सोलडी परसेंटेज इनमें से जो आपका जैम में क्या बोला गया यहां पर जैम में साधारणतः टी एस एस प्रतिशत कितना होता है 90.5 पॉइंट प्रतिशत 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 या अड़सठ प्रतिशत इसका आंसर क्या जाएगा 68.5 प्रतिशत या परसेंट ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है यूजुअली परसेंटेज ऑफ पेक्टिन इन एक्सट्रैक्ट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ए गुड जेली आमतौर पर कितने प्रतिशत पेक्टिन जो है वो अच्छी जेली बनाने के लिए उपयुक्त होता है यानी कि आपका जेली के अंदर क्या पूछा जा रहा है पेक्टिन परसेंटेज पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आपका क्या होगा जीरो पॉइंट फाइव टू वन प्रतिशत ठीक है तो ये इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा बिल्कुल सही आंसर आपका होगा अगला क्वेश्चन है सुगर बेबी बेबी इज कल्टीवार ऑफ या या फिर आपका melon, या फिर आपका आपका किस फसल की प्रजाति है खरबूजा की कासरी की टिंडा की या तरबूज की तो ये आपकी तरबूज की क्या है एक उन्नत किस्म है तरबूज का क्या है आपकी एक कल्टीवार है, है तरबूज के लिए एक आपकी फसल है ठीक है तो ये आपका इसका क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपका है गमोसिस इज एसोसिएटेड विद विच्स ग्रुप आपका जो यहां पर गोंद सा बाहर आ जाता है किस फसल से संबंधित है आपका जो गमोसिस है वो किस फसल से संबंधित है आपका मैंगो से बेल से सिट्रस फ्रूट या फिर पपाया आम बेल नींबू वर्गीय फसल या फिर आपका यहां पर पपीता तो आप सब लोग जानते होंगे ये हमारा नींबू वर्गीय जो फसल होते हैं नींबू वर्गीय फल होते हैं उनसे ये क्या होता है आपका यहां पर रिलेटेड है समझ में आया ठीक है तो ये इसके लिए क्या होगा बिल्कुल है? सही उत्तर होगा अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है जिबरलिन वाज डिस्कवर्ड बाय जापानी साइंटिस्ट डैश इन द ईयर 1926 यहां पर क्या बोला गया जिबरलिन जो है वो आपका डिस्कवर किया गया है किसके द्वारा जिबरलिन की खोज जापानी जापानी विज्ञानिक के द्वारा हुई थी किस वर्ष में हुई थी नाइनटीन में हुई थी तो आपका जो जापानीज साइंटिस्ट है उनका नाम पूछा गया है तो यहां पर चार्ल्स डार्विन कुरोसोवा ठीक है या फिर आपका या फिर नन ऑफ दीज चार्स डारोसोआ एंटोसो या फिर इनमें से कोई नहीं तो यहां पर आंसर क्या जाएगा कुरोसोआ आप सब लोग जानते होंगे कि राइस यानी कि आपकी जो चावल की फसल होती है उसके अंदर हमारा एक प्रकार से झंडा रोग भी जिसे हम बोलते हैं आपका जो बैकने डिजीज ऑफ राइस होता है फुलिस होता है जिसे मूर्ख मतलब आपका सीडलिंग ऑफ राइस बोलते हैं तो वो हमारा जो बीमारी है वो उसको सर्च करने का काम किया गया था उसको सर्च किया गया तो उसमें देखा गया कि जेबरलिन जो है वो आपका एग्जीक्यूट होता है ना वही आपका वहां पर रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए तो इसका आंसर यहां पर क्या जाएगा आपका जिबरलिन जो है उसकी खोज किसने की थी तो कुरोसुआ ने की थी ठीक है नेक्स्ट आपका है विच कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन वर्ल्ड आपका विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत चीन थाईलैंड या म्यांमार तो भारत विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक है नेक्स्ट है लिक्योराइस इज आल्सो नोन एज लिक्योराइस जो है आपका किस नाम से जाना जाता है लिकोराइस को आप किस नाम से जानते हो तो लिकोराइस एक्चुअल में क्या होता है मुलट्ठी का नाम है मुलट्ठी आप सब लोग जानते होंगे इसका साइंटिफिक नेम यहां पर क्या है ग्लाइसिराइजा ग्लोबले ग्लोबरा ठीक है जिसको आप स्वीट रोट भी बोलते हो स्वीट वुड भी बोलते हो या ये जो है अस्थमा की रेमेडी के लिए यूज होती है ये मुलट्ठी जो होती है ना जो गले के आपके जिनके ज्यादातर जैसे सिंगर वगैरह होते हैं जो संगीत गाते हैं ना वो खाते रहते हैं लगातार गले की गले की सफाई के लिए वैसे ये आपका अस्थमा वगैरह जो आपका है उनके लिए अच्छी रेमेडी के लिए उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं ठीक है अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन है इट इज ऑल्सो नोन एज चाइनीज लेरिंग पोर्ट लेयरिंग या आपका मोर्क्रेज या गोटी इसको चाइनीज लेयरिंग भी बोलते हैं पोर्ट लेयरिंग भी बोलते हैं मोर्कोटेज मौर, भी बोलते हैं गुटी के नाम से भी जाना जाता है कौन सा है कंपाउंड लेयरिंग एयर लेयरिंग सिंपल लेयरिंग नन ऑफ दीज सिंपल लेयरिंग या फिर इनमें से कोई नहीं तो आप सब लोग जानते होंगे ये हमारा जो है एयर लेयरिंग का ही दूसरा नाम होता है गोटी मोरकोटेज मौ, या फिर पोर्ट लेयरिंग या फिर चाइनीज लेयरिंग लेरिंग किसमें आपका इंपोर्टेंट है तो ये लीची के के लिए, ली, लीची के के प्रोपेगेशन लिए को उगाने के लिए ये जो है आपका एक महत्वपूर्ण विधि होती है दाब की विधि है ये जो आपकी विधि है किसकी है दाब यानी कि ग्राफ्टिंग का ही एक टाइप है ठीक है चलिए साथियों अगले हमारे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अगला हमारा है पुष्कर इज नोन एज या नोन फॉर कल्टीवेशन ऑफ पुष्कर जो है है, वो आपका पुष्कर किस की खेती के लिए जाना जाता है डेट पाम के लिए रोज या फिर क्राइजिंथियम या फिर टोमेटो खजूर गुलाब गुलदाउदी या फिर टमाटर तो ये हमारा जो है यहां पर किसके नाम से जाना जाता है या किसके लिए इंपॉर्टेंट है तो गुलाब रोज ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है यहां पर फॉलोविंग फ्रूट इज हाइली ड्रो निम्नलिखित में से कौन सा फसल सूखा प्रतिरोधी किस्म है आपका ग्रेप्स, मैंगो पोमग्रेनेट अमरूद अंगूर आम तो अकॉर्डिंग हमारा, हमारा क्या होगा पोमग्रेनेट जो है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा क्या आपका पोमग्रेनेट जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है होगा किनमें से निमनलिख में से कौन सा फसल सूखा प्रतिरोधी है विच ऑफ द फॉलोविंग फ्रूट इज हाइली ड्रो टॉलरेंट हमारा तो आंसर क्या जाएगा पोमग्रेनेट अब हम ऑप्शन को देखकर यहां पर क्या करने वाले हैं बिल्कुल है। सही आंसर करने वाले हैं नेक्स्ट है कपरा हिरकस इज साइंटिफिक नेम ऑफ शीप बुफेलो कैटल गोट जो कपरा हिरकस है वो किसका आपका यहां पर वैज्ञानिक नाम है भेड़ का भेंस का गोवंश का या बकरी का तो ये हमारा बकरी का क्या है आपका वैज्ञानिक नाम है गोट का साइंटिफिक नेम है ठीक है नेक्स्ट हमारा यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज परगेटिव इन एनिमल कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग पशुओं में विरेचक के लिए उपयोग में लाया जाता है देखो आपको पता होगा एल्युनियम हाइड्रोक्साइड कैस्टर मैग्नीशियम सल्फेट ऑल ऑफ इनमें से क्या है एल्यूनियम हाइड्रोक्साइड अरंडी का तेल मैग्नीशियम सल्फेट उपयोग सभी अब इनमें से क्या होगा बहुत सारे बच्चे इनमें से जो कैस्टर ऑयल होगा वो बिल्कुल सही आंसर करेंगे परगेटिव लेकिन कैस्टर ऑयल इसका आंसर सही नहीं हो सकता डेफिनेटली ये हमारा जो आपका अरंडी का तेल है लेग्जेक्टिव की फॉर्म में यूज किया जाता है लेकिन जब इनमें से बेस्ट की बात आएगी तो डेफिनेटली गाइज आपका आंसर जो जाएगा उत्तर जो जाएगा वो मैग्नीशियम सल्फेट जाएगा मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कैस्टर ऑयल बिल्कुल सही आंसर हो सकता था अगर यहां पर मैग्नीशियम आपका सल्फेट आंसर नहीं होता लेकिन इनमें से मैग्नीशियम सल्फेट को आपका उपयोग में लाया जाता है उसके परगेटिव के लिए या फिर उसके यहां पर विरेचक के लिए जो है प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा है आपका मैग्नीशियम सल्फेट इसका सही उत्तर होगा तो अगर आपने गल, गलत किया है तो ये आपका बिल्कुल गलत है अगर आपने यहां पर मैग्नीशियम सल्फेट किया है तो डेफिनेटली आपका राइट है आंसर है अगला प्रश्न है आपका एक्सोटिक ब्रीड ऑफ गोट अमंग द फॉलोइंग इज तो हमारा यहां पर किन्निमन लिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है बीटल टोगनबर्ग बारबरी या फिर जमुना

इट शुड बी गिवन द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ बॉडी वेट कि ये विटामिन ए में रिच होता है बिल्कुल सही है ये हमारा है इट इज शुड बी गिवन एट द रेट ऑफ ट्वेंटी वेट बिल्कुल गलत आंसर जाएगा ये हमेशा हमारा बॉडी का जो आपका वेट होता है उसके टेन परसेंट के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता है कोलेस्ट्रम दिया जाता है इट शुड बी गिवन विद इन हाफ टू टू आवर ऑफ बर्थ ऑफ काफ यहां बिल्कुल सही बात है और नेक्स्ट हमारा इट इज यूज एज ए लग्जेटिव ये भी बिल्कुल सही बात है खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है बिल्कुल सही है जो हमारा कोलेस्ट्रम है जिसे आप खीस बोलते हो उसके लिए आपका बिल्कुल सही है कि उसमें विटामिन ए होता है दूसरा हमारा है खीस को शरीर भार के 20 प्रतिशत दर से देना चाहिए नहीं आपका खीस जो होता है उसको शरीर भार के दस प्रतिशत से देना चाहिए तो ये आपका तथ्य है जो है इसमें बिल्कुल है। सही नहीं है टर्म सही नहीं है खीस को नवजात पशु के जन्म के आधे से दो घंटे के अंदर देना चाहिए बिल्कुल सही है आपके खीस को यानी कि कोलेस्ट्रोल को आपके काफ को जो होता है जो आपका नवजात आपका शिशु है उसको वहां पर विदिन आपका कितने घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर आधे से दो घंटे के अंदर दे देना चाहिए अगला हमारा है खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है बिल्कुल सही खीस आपका लग्जेटिव या विरेचक के रूप में बिल्कुल सही उपयुक्त में लाया जाता है ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है if clr of milk is 28 then specific gravity of milk will be clr अगर 28 है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी यहां पर है कितनी होगी तो इसका वैसे जो ऑप्शन निकालने का जो तरीका होता है वो यही होगा आ, 1 plus 28 by 1000 ठीक है इसका डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं मैं तो इसका 1 0.028 ठीक है तो आंसर यहां पर क्या गया ठीक है क्या यदि दूध का सीएलआर 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा तो यहां पर आपका यहां पर मैंने फॉर्मूला बता दिया वन प्लस ट्वेंटी एट तो यहां पर उत्तर इसका क्या होगा वन पॉइंट जीरो इसका बिल्कुल सही उत्तर आंसर है जाएगा ठीक है अगर देखिए गाइज अगर आपको वीडियो सही लग रही है आपको लग रहा है कि इससे आपका फायदा होगा डेफिनेटली गाइज आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को बताएं ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को फैलाने का काम करें चलिए इसी के साथ हमारा अगला पर्सन जो है उसको हम देखते हैं अगला पर्सन क्या हो सकता है Which of the following breed of sheep is also called as Merino of Rajasthan? निमन में से भेड़ की किस किसम किस, किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है तो राजस्थान की मेरिनो जो है वो आपका चोकला को बोलते हैं चोकला को अकेला राजस्थान का मेरिनो ही नहीं बोलते इसको सेखावटी के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि मेरिनो ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो कॉल्ड एज चोकला और आपका सेखावटी ठीक है तो आपका यहां पर चोकला जो ब्रीड है उसको आप क्या बोलते हो मेरीना ऑफ राजस्थान ना कि मालपुरा को नाली को भी नहीं बोलते पुगल को भी नहीं बोलते ठीक है नेक्स्ट है आपका रैंक ऑफ राजस्थान इन गोट पॉपुलेशन अमंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया एज पर लेटेस्ट स्टॉक क्या बोला गया नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान है बकरी यानी कि आपका गोट पॉपुलेशन में आपका राजस्थान का कौन सा स्थान है प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर आपका चौथा तो याद रखना इसमें हमारा प्रथम स्थान होगा राजस्थान का राजस्थान ठीक है, है? है? तो जाएगा, जाएगा, है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जारबर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन जार्बर टेस्ट को आप जो है यहां पर उसको उपयोग में लाया जाता है एसिडिटी ऑफ मिल्क यानी कि दूध की अमलता को ज्ञात करने के लिए फैट परसेंटेज इन मिल्क दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए एस एन एफ इन मिल्क दूध में एस एन एफ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रोटीन कंटेंट इन मिल्क आपका दूध में प्रोटीन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए तो दूध में आपका फैट जो यानी कि वसा प्रतिशत होता है उसको ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो गरबर टेस्ट को यूज करते हो गरबर टेस्ट उपयोग में लाया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है अगला क्वेश्चन को देखते हैं हीफर इज टर्म्स गिवन टू आपका यहां पर हीफर जो है वो किसको कहा जाता है अडल्ट मेल को या वैश्विक मवेशी को यंग फीमेल कैटल बिफोर फर्स्ट पार्चुरेशन पहले परसों से पहले युवा मादा मवेशी को आप क्या बोलते हो हीफर बोलते हो तो ये आपका बिल्कुल क्या जाएगा आंसर जाएगा यंग फीमेल कैटल जो है बिफोर फर्स्ट पार्चुरेशन इज नोन एज हीफर ठीक है तो आपका हीफर जो है किसको बोला जाता है पहले परसों से पहले युवा मादा मवेशी को बोला जाता है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सिक्कल सेप्ड हॉर्न इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ऑफ द बफेलो ब्रीड हसिया के आकार के सी निम्नलिखित में से किस भैंस की भैंस की नशल की विशेषता है सूरती मुर्रा महसाना या फिर नीली रावी सूरती महसाना मुर्रा या फिर नीली रावी तो ये हमारी सूरती की क्या है आपका एक विशेषता है सूरती के अंदर जो आपके सींग होते हैं वो आपके हसिया के आकार के या फिर सिक्कल सेप्ड आपके हॉर्न होते हैं ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट फुल माउथ केमल अडल्ट फुल माउथ केमल एक वैश्य पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है तीस अड़तीस चौतीस या फिर फोर्टी फोर ठीक है थर्टी थर्टी फोर थर्टी एट या फोर्टी फोर है ना तीस होती है कैसे याद कर लेना आठ आपके जो होते हैं एट फ्रंट टिथ होते हैं आठ सामने के दांत होते हैं फोर इसके अंदर क्या होते हैं कैनिन सॉरी हाँ आठ आपके फ्रंट के दांत होते हैं फोर कैनिस होते हैं ठीक है थीके? तो आपके एट और फोर कितने हुए ट्वेल्व हुए प्लस इसके अंदर ट्वेंटी टू चिक टिथ होते हैं ट्वेंटी टू क्या होते हैं चिक टिथ होते हैं तो इसके अंदर क्या गया आपका फोर प्लस एट कितने हुए ट्वेंटी टू यानी कि चार और आठ बारह बारह और बाईस कितने हुए इसके अंदर चौतीस इसका बिल्कुल सही आंसर है जाएगा क्योंकि इसके अंदर आठ जो दांत होते हैं बिल्कुल सामने के होते हैं फोर जो कैनिस होते हैं है ना वो आपके होते हैं और इसके अंदर बाईस जो होते हैं वो आपके चिकटित होते हैं ठीक है पूर्ण वैश्विक आपके जो यहाँ पर ऊंट की बात की जा रही है कैमल की बात की जा रही है ठीक है फुट एंड माउथ डिजीज इज ए फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो इनमें से कौन सा है या फिर आपका मुंह पका खुर पका रोग जो है वो कौन सा होगा बैक्टीरियल होगा पैरासाइट होगा वाइटामिन डेफिशिएंसी डिजीज या फिर कॉन्टेंजियस जीवाणु जन्य परजीवी जन्य वाइटामिन की कमी से होने वाला रोग या तो देखिए साथियों आप सब लोग जानते होंगे हमारे सभी के अंदर जो हमारा रोग आपका विषाणु रोग होता है आ, वो आपका यहां पर वायरस रोग जो होता है इसको आप बोलते हैं और वायरस रोग आप सब लोग जानते होंगे जैसे अभी आपका यहां पर कोरोना आया है कोरोना कैसे फैलता है ये आपके एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से ये रोग आपका जो विषाणु रोग होता है वो हमेशा फैलता है जो आपका वायरल डिजीज होता है एक दूसरे के टच से फैलता है तो याद रखना ये हमारा कॉन्टेंजियस डिजीज या फिर आपका

वर्ल्ड फाइन जो आपका यहां पर विश्व की सबसे लोकप्रिय उन्नी भेड़ की नस्ल कौन सी है उन्नी भेड़ की नस्ल जो है वो आपकी मेरिनो होती है ठीक है मेरिनो इसको क्या जाएगा बिल्कुल सही आंसर जाएगा तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिमूवल ऑफ टाल इन टेल इन लिंब या हम बोल सकते हैं मेमने में पूंछ की हटाने को क्या बोला जाता है डीटेलिंग डिटेटिंग डॉकिंग या फेनोकिंग डिटेलिंग डॉकिंग डिटेचिंग या फिर तो याद रखना डॉकिंग हमारा इसका क्या जाएगा बिल्कुल है, सही आंसर जाएगा कुछ बच्चे डिटेलिंग ले जाएंगे तो डिटेलिंग इसका राइट right आंसर है नहीं होगा इसका क्या आंसर होगा आपका यहां पर डॉकिंग इसका बिल्कुल सही उत्तर है होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा आउट ऑफ फॉलोविंग ड्रग पहले इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देखेंगे आउट ऑफ फॉलोविंग ड्रग विच इज मोस्ट कॉमन एंथेमेटिक ड्रग यूज इन द एनिमल ठीक है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में उपयोग होने वाली नाशक दवा है क्रीमी नाशक दवा इनमें पहला ऑप्शन यहां पर क्या है पोटेशियम परमेगनेट दूसरा है ऑक्सीटेट्रा साइक्लिन तीसरी है मेलॉक्सिन या फिर आपका लास्ट है एवरमैक्टीन ठीक है तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा वो आपका एवर मैक्टिन बिल्कुल सही आंसर होगा ठीक है एवर मैक्टिन यान जो है यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका बिल्कुल है, सही उत्तर होगा साथियों ठीक है अगला हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिन प्लेस ऑफ फ्रीजन 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 इज गाय की जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है स्विट्जरलैंड हॉलैंड स्कॉटलैंड नन ऑफ दीज स्विट्जरलैंड हॉलैंड स्कॉटलैंड नन ऑफ दीज तो इनमें से याद रखना या हमारा जो हॉलैंड या फिर नीदरलैंड इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा ठीक है हॉलैंड बोल दो नीदरलैंड बोल दो बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है एच हॉलैंड होलैंड एच फॉर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट आपका जो केंद्रीय भेड़ एंड ऊन संस्थान जो आपका है वो कहां स्थित है भोपाल में नगर राजस्थान में न्यू दिल्ली में या फिर कुशीनगर यूपी में तो ये आपका नगर जो राजस्थान है वहां पर यानी कि टोंक के अंदर आप सब लोग जानते होंगे राजस्थान वाले इससे परिचित हैं अच्छे से तो डेफिनेटली वो सभी लोग जानते होंगे कि ये आपका आंसर यहां पर कहा जाएगा नगर राजस्थान में ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कोपर कलर बॉडी कोट इज ऑफ बफेलो ब्रीड कॉपर कलर बॉडी जो कोटिंग है, वो किस आपका की का है मुर्रा कुंडी बदावरी या फिर नीली रावी तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है मुर्रा की कुंडी की भदावरी की या फिर नीली रावी की तो याद रखना ये हमारी यहां पर जो भदावरी आपकी है बफेलो बदावरी जो भैंस है उसका ये इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टेरिस्टिक्स है उसकी विशेषता है ठीक है किसकी बदावरी के लिए ठीक है अगला हमारा यहां पर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सिंगल हम्ड अरेबियन Camel species फाउंड इन इंडिया आर कॉमनली नोन एज भारत में पाई जाने वाली ऊंट की कुबड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यता क्या कहा जाता है तो याद रखना हमारे भारत में सामान्यता एक यानी कि सिंगल कुबड़ वाले ही एक कुबड़ वाले ही ऊंट ज्यादातर पाए जाते हैं ठीक है तो एक कुबड़ वाले जो आपके यहां पर ऊंट होते हैं उनको आप ड्रोमेड्री बोलते हैं क्या बोलते हैं ड्रोमेड्री तो इसका आंसर जाएगा डी अगर ये दो हम्प वाले पूछते जो कि आपके ले लद्दाख या फिर बाकी आपके आ, उसमें पाए जाते हैं तो वहां पर आपका आंसर क्या होता बैक्टीरियन होता लेकिन अभी इसका आंसर क्या जाएगा ड्रोमेड्री जाएगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच पोल्ट्री डिजीज इज ऑल्सो नोन एज न्यू कैशल डिजीज किस कुकुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर आपका आईबीडी है रानी खेत है से या फिर फॉलपॉक्स है तो याद रखना ये रानी खेत जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा तो साथियों ये हमारे साठ के साठ क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के रिलेटेड आए थे उन सभी को एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो भी बच्चे इसके अंदर कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चेक करके आपको आंसर प्रोवाइड करवाए हैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे थैंक यू सो मच गाइस बहुत बहुत धन्यवाद और जो भी बच्चे हमारे आने वाले बैच जिसको हम बोल रहे हैं IBPS AFO एफ के लिए ना आपके जो है यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ए के लिए और यहाँ पर, पर आपका हरियाणा एडीओ के लिए कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमें नाइन पर कॉल कर सकते हैं थैंक यू सो मच साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत